हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। जो लोग भक्त व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तभी उनका ये पूजन संपूर्ण माना जाता है, तो कथा जरूर से सुननी चाहिए। अक्षत पुष्प अपने हाथ में रख ले, उसके बाद कथा सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विध्यान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य फल मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी ने ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की शिक्षा करने, देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आपको हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है?
उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवन, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्राकर्मी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्रित आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताओं भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध कर लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों में बांध लिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उनका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने साक्षात मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इसके बाद में आप यहाँ पर विनायक जी की भी कथा कह सकते हैं। हुंकारा भरते हुए इस कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। और भक्तों, उसके बाद हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए हैं वो भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। इस प्रकार से ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें तो कथा जरूर से ही सुननी चाहिए और जो नहीं व्रत कर रहे हैं उन्हें भी ये कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो भक्तों, यदि यह कथा पसंद आई हो, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।